नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड में 1932 आधारित खतियान जिसको लेकर अब पूरे सूबे में जश्न का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न मना रहा है, विजय जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन इसी बीच सरकार के सहयोगी दल यानी कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो पूरा कोल्हान जलेगा। देखिए, ये सिर्फ मेरे दो जन का विरोध नहीं है बल्कि कोल्हान की जनता का विरोध है। ये अकेले गीता कोड़ा या मधु कोड़ा की बात नहीं है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं कोल्हान में और जिनका लास्ट सर्वे सेटलमेंट ही 64-67 का है। ऐसे में 1932 को अगर हम कट ऑफ कर देते तो यहाँ के हज़ारों लाखों लोग कहाँ जाएंगे? हम अपने ही जगह ज़मीन पर हम एक तरह से विस्थापित हो, एक तरह से हमें आउटसाइडर घोषित किया जा रहा है। हमें अपने ही जगह ज़मीन होते हुए, हमें अपना ही खतियान होते हुए हम लोगों को क्या ग्राम सभा में प्रूव करना होगा कि भाई हम यहाँ के खतियानधारी हैं? खतियान होते हुए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्थिति को स्पष्ट करें कि आखिर 32 का चलेगा या लास्ट सर्वे सेटलमेंट होगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए और अगर जल्द स्पष्ट नहीं करते हैं तो ये कोल्हान जलेगा और उसके जवाबदेही हेमंत सोरेन जी होंगे। देखिए, किसको खतरा है नहीं है ये मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं झारखंड की कोल्हान की बेटी हूँ और कोल्हान की जनता इसे सफ़र करेगी तो गीता कोड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी। किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा है कि सरकार को तुरंत स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, 1932 या लास्ट सर्वे सेटलमेंट उसको मानती है, ये तुरंत स्पष्ट करें। नहीं करेगी तो ये कोल्हान में हम लोग इसको जोरदार आंदोलन करेंगे। हम लोग राज्यपाल के पास भी जाएंगे और जहाँ भी हायर अथॉरिटी जानी होगी हम लोग इस बात को लेके जाएंगे। क्या लगता है राज्यपाल इसको पास करेंगे? देखिए, अभी ये विधानसभा इसके एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उस लंबी प्रक्रिया में जाना ही क्यों? जब हम यहीं इसको स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं तो फिर यहाँ यहीं इसको करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई एक जगह के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें सारे प्रदेश के लोगों का, सारे प्रदेश के सभी लोगों का हित को देखते हुए ये निर्णय लेना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा है कि अगर सरकार 1932 के खतियान पे पुनर्विचार नहीं करती है तो वे लोग जन आंदोलन करेंगे। 14 सितंबर 2022 को झारखंड के सरकार ने, हेमंत सरकार ने उनका कैबिनेट में राज्य के जनता को स्थानीयता का लाभ देने के लिए, स्थानीयता घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो 32 के खतियान के आधार पर लाया गया है। झारखंड में जो खतियान किसी के पास में 64 का भी है, 65 का भी है, 70 का भी है, जैसे कोल्हान में जो तीनों जिला में वहाँ सर्वे सेटलमेंट जो खतियान दिया गया है वे है 64, 65 और 70 में। अगर ये 32 का खतियान झारखंड सरकार के द्वारा, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो कोल्हान के जो 45 से 50 लाख लोग जो वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोग स्थानीय परिधि में नहीं आएगा। वे लोग भी अपने आप को, हम समझते हैं, एक रिफ्यूजी की तरह से उस लोगों को माना जाएगा। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार जो 32 का खतियान केवल आधार माना गया है, इनको पुनर्विचार करना चाहिए।